नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनियोजित लॉकडाउन का एक साल, प्रवासी मजदूरों के दर्द की कौन लेगा जिम्मेदारी। तमिलनाडु चुनाव, युवा मतदाता नहीं चाहते AIADMK बीजेपी की सरकार। बिहार विधानसभा हंगामा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी 5 साल तक सदन में ना जाने की धमकी, कहा माफी मांगे नीतीश कुमार। कोविड अपडेट, इस साल के सबसे ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटों में आए 47,262 नए केस। विश्व टीबी दिवस, भारत में अब भी जारी है इस जानलेवा बीमारी से जंग। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। २०२० में आज ही के दिन मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर देश में एक अनियोजित लॉकडाउन लागू किया था। इसे अनियोजित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस लॉकडाउन के बाद समाज के निम्न आर्थिक वर्गों के लोग, जैसे प्रवासी मजदूर, रिक्शा चालक, डेली वेज लेबरर्स की जिंदगी में सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ था। आपको याद होगा कि कैसे हजारों मजदूरों ने दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से अपने गाँवों तक पैदल सफ़र किया था और सरकार ने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे। रिपोर्टरों की माने तो इस लॉकडाउन के दौरान 150 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत भूख, गर्मी जैसे कारणों से हुई थी। इससे ज़्यादा लोग सड़क हादसों, ट्रेन हादसों का शिकार होकर मर गए थे। केंद्र सरकार ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं। लॉकडाउन के एक साल पूरे होने पर निदेशक विनोद कापरी ने 1232 किलोमीटर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री हॉटस्टार पर रिलीज की है, जिसमें वह 7 प्रवासी मजदूरों की कहानी दिखा रहे हैं। खाना पीना नहीं मिला, ना मजदूरी, कोई पैसा टका है नहीं, खाने को मिल नहीं रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लगे इस लॉकडाउन और सरकारों की कमी की वजह से पैदा हुआ आर्थिक संकट अब भी जारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी जवाबदेही तय नहीं की है और ना ही बताया है कि सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी किसकी हो। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज क्लिक ने राज्य के युवा मतदाताओं से बात की और राज्य की सरकार और चुनाव से उनकी उम्मीदों के बारे में चर्चा की। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। The 2021 Tamil Nadu Assembly elections, which are scheduled on April 6, are significant because this is the first time an election is taking place in the absence of two of the most important Dravidian party leaders of Tamil Nadu, Jayalalitha and Karunanidhi. People's dissatisfaction with the incumbent AIADMK government over the past 5 years is also expected to reflect in this assembly election. The Election Commission has released the voter list for Tamil Nadu Assembly elections. As per this list, 8,97,694 voters are between the ages of 18 and 19. NewsClick interviewed a few of the young voters to find out their expectations from this election. Hi, Terry. அதிமுக, பிஜேபி, காங்கிரஸ் அஇஅதிமுக எல்லாமே தெரியுமே. எலெக்ஷன் நார்மலாக ஒரு ஜனநாயகத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும், காப்பாற்றணும்னா எலெக்ஷன்ஸ் தான் முக்கியமான. ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும்.
அதில் ஒரு ஒரு குடிமகனோட கடமைங்கிறது தான் எலெக்ஷன். அது நம்மளை யார் ஆள போகிறாங்க, நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது எலெக்ஷன் தான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஓட்டு போகணும். போதும், அவங்க 5 வருஷம் இருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அடுத்து வரவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சொல்கிறாங்க, சொல்கிறது எல்லாமே செய்வாங்களான்னு தெரியாது, அறிக்கை மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வேறு ஒருத்தவங்க வந்து இதை விட நல்லா செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது வந்து தப்பு இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு போட போகிறேன், அதனால் ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாற்றம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் தோணுது. ஆனால் திமுகனாலையும் கொண்டு வர மாட்டாங்க, ஏடிஎம்கேயும் கொண்டு வர மாட்டாங்க, வேறு யாரும் யார் கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு எதுவும் தெரியல. அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை, அவங்களால எதுவும் மாற்ற முடியாது. யார் இந்த சகாயம் ஐஏஎஸ் மாதிரி ஆட்கள் வந்தாங்க, நிஜமாலே நல்லாயிருக்கும். எதுவுமே தெரில, யார் ஆண்டாலும் நம்ம நம்ம மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் பெருசாக நடக்கிறது அது பாட்டுக்கு ஊழல்களும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது, கஷ்டங்களும் அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அதனால் பெருசாக எதுவுமே தோணலை அரசியலை பற்றி. எடப்பாடியோட வந்து அவர் தன்னோட சுய இதில் தான் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறது தெரில. அவர் வந்து 4 வருஷம் ஆட்சி வந்து காப்பாற்றிட்டு வந்துட்டார், ஆனால் அது அவரோட திறமையினால் காப்பாற்றிட்டு வந்தாரா இல்லை வளைஞ்சு கொடுக்க போகிறது நிலையினால் காப்பாற்றிட்டு வந்தாரா தெரியல. தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போது ஸ்டெர்லைட் போராட்டம், ஜல்லிக்கட்டாக இருக்கட்டும், வேறு விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்துச்சு, டெல்லி வரைக்கும் போனாங்க, நிறைய போராட்டம் நடந்துச்சு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி வந்து இன்டைரக்டாகவோ டைரக்டாகவோ அடக்குமுறையை தான் வந்து மோஸ்ட் கையாண்டுருக்காங்க இப்போ ரூலிங் பார்ட்டி ஏடிஎம்கே. ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் இப்போது டாக்டர்ஸ் வேலையை நிறுத்தி போராட்டம் பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்க உடனே வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், நீங்கள் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க வாழ்வாதாரம் பயந்து வேலைக்கு வர வேண்டிய நிலைமை தான். அவங்க வந்து என்ன சொல்ல, சுமூகமான அணுகுமுறை வந்து பயன்படுத்தலை, அவர் அடக்குமுறை தான் பயன்படுத்தினாங்க. ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல இதுவாக போனதில்லை. அவங்க மறைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நிறைய குழப்பங்கள் இருந்ததுனால வந்து அவங்களோட ஆட்சி வந்து அவ்வளோ திருப்தி அளிக்கலை. சமீப காலங்களாக வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும், ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆள்றாங்களா இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆள்றாங்களாங்கிற அளவுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க ஆமாம் ஆமான்னு தலையாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே கூட்டு களவாணித்தனம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு செய்கிறேன் செய்கிறேன்னு பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்களுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் அவங்க செஞ்சுக்கிறாங்க. சராசரி சாதாரண சமுதாய மக்களுக்கு எதுவுமே போகிறது கிடையாது, சாமானிய மக்களுக்கு எதுவுமே போகிறது கிடையாது. கண்டிப்பாக வேணும், அடுத்த தடவை இந்த கட்சியே வரக்கூடாது, பிஜேபியே வரக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் இருக்கோம். ஆனால் மற்ற ஸ்டேட்டோட அந்த யூபியோடனா பார்க்குறப்ப தமிழ்நாடு எவ்வளவோ பரவாயில்லன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் இப்போது வர்றப்போ அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாருமே ஒரு மாதிரி தான் இருக்காங்க. பிஜேபி வந்து அவங்க நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய பார்ட்டி தான் உண்மையிலே, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அவங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கெலாம் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. இப்போ வந்து அவங்க சோசியல் மீடியாவில் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸை வச்சு அவங்க மேபி நமக்கு ஓட்டு ஜாஸ்தி விழும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து அவங்க ரொம்ப ஓப்பனாக நல்லா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதை வச்சு வந்து ஏடிஎம்கே கூடயும் சேர்ந்துருக்காங்க. அது வந்து எப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து எலெக்ஷனில் தான் பார்க்க முடியும், அதை கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி தான் ஒரு நிலைமையில் இருக்குது. மேபி பிஜேபிக்கு வந்து எவ்வளோ ஆதரவு இருக்குதோ அதே அளவு எதிர்ப்பு, அதுன்னு அதோட 2 மடங்கு எதிர்ப்பே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. மேபி அந்த எதிர்ப்பு ஏடிஎம்கேக்கு ஒரு தோல்வியாக கூட முடியலாம். அந்த மாதிரி கூட பிஜேபி எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை, வரவே கூடாது அப்படி நான் நம்புகிறேன். அவ்வளோ அவங்களாம் வரக்கூடாது, வரக்கூடாது. பர்சனலி மோடிஜி ஹிந்தி அந்த மாதிரியே, அவங்க இந்து மதம் அந்த மாதிரி இருக்கிறனால எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. ஹச்ராஜாவை பற்றி சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை. நோ வேர்ட்ஸ். बिहार दिवस का जश्न मनाने के अगले ही दिन बिहार की विधानसभा में 23 मार्च को वो हुआ जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. दरअसल विधानसभा में बीते दिन विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास किया गया, जिसके तहत राज्य की पुलिस को अतिरिक्त ताकतें मिल रही हैं. इस विधेयक का विपक्षी दल विरोध कर रहे थे. विरोध बढ़ते देख सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के विधायकों और विपक्षी दलों के विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद सदन के अंदर पुलिस को बुला लिया गया. राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप है कि पुलिस ने विधायकों को पीटा और महिलाओं तक के साथ बदतमीजी कर उन्हें जबरन उठाकर सदन से बाहर फेंका. जो वीडियो सामने आए उसमें भी देखा जा सकता है कि पुलिस बल प्रयोग करते हुए विपक्ष के विधायकों को मार रही है और सदन से बाहर लेकर ले जा रही है.
इस घटना की सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस मय हो गए। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे बीजेपी और नीतीश कुमार का आपराधिक कृत्य बताया है। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निर्लज्ज कुमार बताया और कहा कि यदि नीतीश कुमार कल की घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तेजस्वी 5 साल तक सदन में नहीं आएंगे। वहीं आज के दिन भी विधानसभा चली लेकिन विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद नहीं थे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 24 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,262 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 275 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 23,907 मरीजों को ठीक किया गया है लेकिन एक्टिव मामलों में 23,080 मामलों की और बढ़ोतरी हो गई है। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,17,34,058 हो गई है जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,60,441 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 95.49% यानी 1,12,05,160 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3.14% यानी 3,68,457 हो गई है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रहे हैं जहां पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात हैं जहां से 1500 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में 1000 मामले सामने आए हैं। राज्यवार कोरोना के मामलों और इसके पैटर्न पर देखिए डॉक्टर सत्यजीत रथ का ये आकलन जिन्होंने न्यूज़ क्लिक से बातचीत की। The major points of spread are characterized by two interesting properties. One, they have now spread and are coming up in much more urban middle class localities. Secondly, these are not outbreaks that are reoccurring in the same locations that were most seriously affected 6 months ago. This is at least true of localities in, for example, Pune, Mumbai, and so on and so forth. So while on the one hand, it feels as though the same cities that were affected 6 months ago are being affected today, within the structure of the cities, the epidemic outbreaks have shifted location. What this says is two things. Number one, because they have shifted from hyper-crowded to crowded localities, the rate of increase of spread is going to be a little slower, but because the localities are much larger, it might even end up being more sustained as a spread. Secondly, this is not, contrary to what many people are beginning to think, oh, these are variants of the virus that are causing reinfection. By and large, the patterns are not patterns as yet that are explained by reinfection. Similarly, they are not patterns that are as yet substantially affected by vaccinations, since India only has about 3% of its population vaccinated anyway. So that fraction of the population being vaccinated is not going to make any material difference to the pattern of local outbreaks. So those are the issues that we should be keeping in mind. And of course, as you point out, the only way forward we have is a sustained campaign of monitoring the virus and of vaccinating against the virus in the large scale, along with support for livelihoods and the economy. 24 March, yani aaj Vishw TV Divas hai. Tuberculosis ka ilaaj puri duniya ke paas maujood hai. मगर आज भी दुनिया भर में इससे हर रोज़ 4,000 लोगों की मौत होती है और 28,000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से मरते हैं। इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीवी दिवस की थीम का नाम दिया है द क्लॉक इज टिकिंग, यानी वक्त बीत रहा है। WHO का कहना है कि टीवी को ख़त्म करने के लिए किए गए प्रयासों में दुनिया पीछे छूट रही है और हमारे पास अब वक्त कम होता जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी का टीवी पर भी प्रभाव पड़ा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 2020 में टीवी के मामले 18 लाख के करीब थे जबकि 2019 में ये मामले 24 लाख थे। मगर WHO की
रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से टीबी के मरीजों की देखभाल में 21% की गिरावट आई थी। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।